उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद अपने ही तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र के तारा गांव पहुंचे, जहां रामकिशोर निषाद के परिवार का हालचाल जाना। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पैलानी मंडल अध्यक्ष अमित निगम, सादी मदनपुर के पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान अंसार अली, जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से इंस्पेक्टर प्रभुनाथ जी उपस्थित रहे। तारा गांव पहुंचकर मंत्री रामकेश निषाद जी रामकिशोर के पिताजी पहाली निषाद से मुलाकात की और उनसे हालचाल जाना, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं कि पहाली निषाद हैं और मंत्री जी को अपनी जो व्यथा है उन्होंने बताई कि कैसे हमारे बेटे के साथ एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हमें शासन और प्रशासन में पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और हमारे परिवार की सहायता की जाएगी, जो आर्थिक परिस्थिति है हमारी उस पर ध्यान दिया जाएगा। अपनी व्यथा में उन्होंने ये भी कहा कि रामकिशोर के छोटे छोटे चार बच्चे हैं और वो मेहनत मजूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था। पहाली निषाद के दुखी भाव को सुनते हुए मंत्री जी ने दुख व्यक्त किया और हर एक तरह की सहायता करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि 11 अगस्त 2023 को बांदा कानपुर हाईवे दोहतरा के पास एक ट्रक ने रामकिशोर निषाद की बाइक को टक्कर मार दी थी और टक्कर मारने से रामकिशोर निषाद की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। साथ में एक व्यक्ति और था, उसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद दूसरे दिन 12 अगस्त 2023 को पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी मिली तो तारा के सामने बॉडी को हाईवे में रख कर पूरा हाईवे जाम किया था और उनकी मांगे थी कि हमें सही मुआवजा मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद बॉडी को हाईवे से हटाया गया और सादी मदनपुर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे और हम आपको इसी तरह उत्तर प्रदेश की हर एक खबर दिखाते रहें। अगली खबर तक के लिए जय हिंद।